बैक टू माय चैनल एंड द वीडियोस। सो गाइस, आज जो मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ प्रोडक्ट, वो मार्केट में काफी धमाल कर रहा है और गाड़ी की इतनी डिमांड है कि आपको बताना चाहूंगा, बुकिंग पे बुकिंग रहती है। और ये की है मेरे पास ओरा SX CNG, सॉरी। तो मैं आपको गाड़ी दिखाना चाहता हूँ, तो गाड़ी के पास आइए। तो गाड़ी जो आपके सामने खड़ी है, मैं इसकी फ्रंट की बात करूँ तो इसमें आपको DRL मिल रहा है, साथ ही साथ आपको हेडलैम्प मिल रहे हैं जो कि नॉर्मल हैलोजन है। साथ ही साथ इसकी कैस्केड डिजाइन की बात करूँ तो काफी अच्छा है और लुक को काफी इनहेंस करता है। साथ ही साथ इसके इंडिकेटर जो आ रहे हैं वो ORVM पे आ रहे हैं, जो कि काफी यूनिक फीचर है और लुक को काफी इनहेंस करता है। और एरोडायनेमिक सेफ है इस गाड़ी की, जो कि एयर को काफी अच्छी कटिंग करता है और रोड पे प्रेजेंस बनी रहती है। अब मैं आपको टायर दिखाता हूँ और टायर साइज दिखाता हूँ। टायर की बात करूँ तो इसमें R15 साइज का आपको टायर मिल रहा है, और जो कि अलॉय व्हील, जो कि डायमंड कट अलॉय है, जो लुक को काफी इनहेंस करता है और गाड़ी की काफी अच्छी मतलब ग्रिप बनी रहती है। और आपको पीछे की तरफ दिखाना चाहूंगा गाड़ी के, ये आपको इसके रियर के इसके कंफर्ट के लिए दिखाना चाहूंगा। इसमें आपको सीटिंग जो मिल रही है, बकेट मिल रही है, बकेट के साथ साथ आपको रियर में आपको कप होल्डर मिल रहा है बाइक कन्वीनियंस के लिए। आपको पीछे AC वेंट मिल रहा है और साथ ही साथ चार्जर पॉइंट मिल रहा है। अगर इसकी बैक की बात करूं तो इसमें AC के साथ साथ आपको रियर में चार्जिंग तो मिल ही रहा है, साथ ही अगर इसकी जेड शेप LED लैंप की बात करूँ, जो कि काफी लुक को इनहेंस करती है। भाई ये जेड शेप जो इसकी LED लैंप है ना भाई, लुक को काफी इनहेंस करती है। और आप अगर आप पे स्मार्ट की है तो इससे ही आप गाड़ी के अनलॉक कर सकते हैं डिग्गी को। अब ये डिग्गी दिख रही होगी आपको, साथ ही साथ CNG के बाद भी इसमें काफी अच्छा बूट स्पेस मिल जाता है। आपको दिख रहा होगा बूट स्पेस में आपको काफी 2-3 लगेज कैरी कर सकते हैं और गाड़ी में काफी अच्छा स्पेस है CNG लगने के बाद। इसके साफिन एंटीना की बात करूँ तो काफी अच्छी फ्रिक्वेंसी देता है, जैसे कि अगर आप FM यूज करते हैं या रेडियो, तो उसमें आपकी नेटवर्किंग अच्छी बनी रहती है और काफी अच्छा लुक को इनहेंस करता है। अगर इसके बैक में अगर इसकी डिफॉगर की बात करूं तो डिफॉगर है, जो कि आपकी पीछे अगर फॉग कंडीशन में है तो आपकी जो फॉग है वो हट जाती है। और साथ ही साथ अब मैं ड्राइवर साइड की बात करता हूं तो आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि इसके ड्राइवर साइड पे अगर इसकी MID की बात करूं फ्रंट में, तो इसके ड्राइवर साइड की तो इसमें आपको मिल रहा है टच म्यूजिक सिस्टम मिल रहा है, जो इंफोटेनमेंट है विद, इसमें आपको अगर आप एप्पल कार प्ले यूज करते हैं तो एप्पल कार प्ले, एंड्रॉइड करते हैं तो एंड्रॉइड। साथ ही साथ इसमें लैंप मिल रहे हैं, 2 लैंप मिल रहे हैं और नोक पे क्रोम है। और इसकी स्क्रीन की बात करूं तो आपको MID में आपको आपको टच मिल रहा है, साथ ही साथ आपको वॉल्यूम के बटन मिल रहे हैं, मोड चेंज कर सकते हो, फोन उठा सकते हो, काट सकते हो, सारे फीचर्स मिल रहे हैं आपको। साथ ही साथ यहाँ पर कप होल्डर और आपका साथ ही साथ ग्लोब बॉक्स की बात करूं तो कूलिंग ग्लोब बॉक्स मिल रहा है। AC मैनुअल है, वो आपको मैनुअल ऑपरेट करना होगा कूलिंग के लिए, आपको एयर की डायमेंशन चेंज करने के लिए। और आपको सी टाइप का चार्जर पॉइंट और USB चार्जर पॉइंट दोनों अवेलेबल मिल रहे हैं इस गाड़ी में। भाई ये गाड़ी काफी अच्छी है, इसकी इतनी डिमांड है और CNG में। और सबसे मेन चीज क्या है गाड़ी में, लोग कहते हैं कि पुश बटन कहाँ है, तो इसमें भाई पुश बटन भी मिलने वाला है गाड़ी में। आपको मैं बताना चाहूंगा गाड़ी में पुश बटन भी है, ये देखिए दिखाना चाहूंगा, ये पुश बटन है। अगर आप गाड़ी को यूज कर रहे हैं तो भाई पुश बटन की बहुत डिमांड होने वाली है आज के टाइम में। लोग बहुत कहते हैं कि पुश बटन चाहिए चाहिए। साथ ही साथ अगर मैं बताना चाहूँ आपके इसके और इसकी सीटिंग में काफ़ी अच्छा कुशन का यूज़ किया गया है और इसमें कंफर्ट भी काफ़ी अच्छा है। और साथ ही साथ गाड़ी की अगर CNG की माइलेज की बात करें तो 30 का क्लेम करती है कंपनी। भाई 30 का माइलेज दे रही है गाड़ी। अगर आप अगर लोकल में ड्राइव करते हो, गाड़ी में बैठे रहते हो, AC यूज़ करते हो, तो भाई ये आपको एवरेज काफ़ी अच्छी देने वाली है। भाई ये गाड़ी जो है ना मार्केट में इसका कोई तोड़ नहीं है इस टाइम। जितनी भी अगर इसकी बात करूँ, जितनी भी अगर सेडान की जितनी भी कार है उनमें सबसे बेस्ट है। इसकी क्रश रेटिंग की बात करूँ तो 4 पॉइंट की इसकी क्रश रेटिंग है, जो कि काफ़ी अच्छी है। सबकी जो मोनोकोक इसमें बना हुआ है, साथ ही अगर घर की डिज़ाइन की बात करूँ तो इसमें आपको क्रोम हैंडल मिलने वाली है। अगर आप टक्की है तो आप इसको लॉक अनलॉक कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसके बैक में एक स्पॉइलर हो रहा है स्पोर्टी लुक के लिए। आओ मैं आपको दिखाता हूँ स्पोर्टी लुक के लिए जो स्पॉइलर है, भाई लुक को काफ़ी इनहेंस करता है। साथ ही साथ क्रोम की एक फिनिश के लिए पीछे आपको डिग्गी क्रोम दी गई है। और गाड़ी में आपको ऑटोमेटिक ORVM एडजस्टेबल फोल्डेबल सारी चीज़ें मिल रही है। इस गाड़ी में आपको हाइट एडजस्टेबल सब चीज़ आपको अवेलेबल होने वाली है इस गाड़ी में। जो भी है मतलब आप इस बजट में अगर आप देख रहे हो 8 लाख 9 लाख रुपये में, तो CNG में इससे बेस्ट ऑफर आपके लिए कहीं नहीं है। थैंक यू, जब तक के लिए धन्यवाद।